मतदारों को रिझाने के लिए हर हथकंडा आजमाया जा रहा है अहमदाबाद में, ढोल तांसे आक्षेप प्रति आक्षेप, किंतु वर्षों से अल्पसंख्यक मत विस्तार में एकाधिकार मत लेने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता ओवैसी की एंट्री से बौखलाए और कांग्रेसी नेताओं के बिगड़े बोल, ओवैसी के अल्लाह अकबर के नारे और दाढ़ी टोपी पर टिप्पणी पड़ सकती है कांग्रेस को भारी। हो सकता है चुनावी परिणामों भारी उलटफेर, देखें क्या कहा कांग्रेसी नेता ने, क्या माफी होगी काफी या फिर होगा भारी नुकसान, देखें सिर्फ द राइट न्यूज पर। और करना है और आपको दिल लगाकर इन लोगों को जिताना है, काम करना है। जो दाढ़ी टोपी वाले आपके बीच में भी आ रहे हैं दोस्तों, उनसे आपको ज़्यादा सरोकार नहीं रखना है। वो आए जैसे आए हैं वैसे ही चले भी जाएंगे, वो आपके बीच में रहने वाले नहीं हैं। आपको सिर्फ बरगलाने आए हैं नारे तकबीर कहकर, लेकिन ज़रूरी आज शहर में इलेक्शन का दौर चल पड़ा है, तो हम तो कोई इतनी राजकीय सोच नहीं रखते, लेकिन फिर भी रोटी तो हम भी खाते, अच्छा भला क्या है हम समझते। जैसे मेरे कांग्रेस के दोस्तों को, मेरे मुसलमान भाइयों को पूछना चाहता हूँ कि हम आपको चुन के लाए इसलिए कि आप जितना मजलिस को अभी दबाते हो ना, इतना शायद आपने बीजेपी वालों को दबाया होता ना, तो शायद हमारा कुछ भला होता। भाई एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करो, और कांग्रेस को तो हमने ऐसे भी बहुत तेर साल दिए यार, देश आज़ाद हुआ जब से हम कांग्रेस को साथ एकदम ही मक्कमता से खड़े हैं। कांग्रेस ने क्या दिया हमारे, जब इंदिरा जी की सरकार हुआ करती थी, राजीव जी की सरकारें हुआ करती थी, तब उनके सामने कोई विपक्ष नहीं था, तो 5% मुसलमान को ही आरक्षण दे सकते थे, तो तुमको समझनी पड़ती क्या? सब जानते हो भाई, कोई हितेच्छू नहीं है कांग्रेस हमारी, अब जाके समझ पड़ी है 70 साल बाद। ये कांग्रेस वाले जो भी प्रचार कर रहे हैं कि डारी टोपी वालों से बचना है, तो अपने ग्यासु भाई MLA और जुनेद भाई कॉपरेटर अभी जो बने नहीं है, वो ज़रा गौर से सुने और ध्यान दे कि भाई आप डारी टोपी वाले से इलेक्शन लड़ रहे हो कि कौम के अंदर अंदर झगड़ा करवाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हो? ये ऐसी बात है, जो बोला उसको पार्टी साहब पहले निकाल दे, लेकिन कांग्रेस का खुलेआम बहिष्कार होगा। तुम इलेक्शन लड़ रहे हो, कोई डारी टोपी वाले के विरुद्ध ले रहे हो आप, आपका मतलब क्या है डारी टोपी वाले कहने का? ओएसी ने कहीं गलत थोड़ी किया है, डारी टोपी रख के आप नाम लेके बोलो कि भाई ओएसी को मत दो ना के ये करना, पर डारी टोपी वाले का नाम लेके क्यों बदनाम कर रहे हो? दोस्तों मुझे लाइव आना नहीं था, इलेक्शन का वक्त है, लेकिन आना पड़ा क्योंकि 2 दिन पहले एक जगह मैंने भाषण में कुछ बात कह दी थी, तो मेरा इशारा यही था कि इसका मजहबी जो लिबास है, मजहबी नारा है, उसका कोई सियासी पार्टी उपयोग ना करे, उसका ध्यान रखना। मेरे कहने का मतलब ये था, आप सब जानते हैं कि एक ही आदमी, एक ही वाहिद शख्स ऐसा है कि जो मजहबी लिबास पहनता है लेकिन काम BJP का करता है, आप सब जानते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है उसका नाम। मेरा इशारा उसकी तरफ था, मैं मजहबी लिबास सुन्नत रसूल और टोपी का बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन इसका कोई दूसरा आदमी सियासी उपयोग ना कर ले, आपको मजहबी मुगालबे में डालकर आपसे वोट ना ले जाए, और वोट लेने के बाद आपको बीजेपी को जिताने के बाद यहाँ से चला जाए, ऐसा ना हो, ये सोचकर मैंने कुछ बात कही थी, लेकिन हुआ वही जो मुझे डर था। MIM के लोगों ने उसको बहुत ही गलत तरीके से वायरल करके सियासी उसका उपयोग करने की कोशिश की है। ये सब जानते हैं कि कौन है जो मजहब को बीच में लाकर मुसलमानों के वोट बांटता है और बीजेपी को हमेशा से जिताता आया है। तो मैं आज भी यही कहता हूं कि चाहे वो कोई भी हो,
कितना भी पक्का पाबंद क्यों ना हो, लेकिन अगर बीजेपी का काम करता है, बीजेपी हमारी दुश्मन पार्टी है, बीजेपी का काम करता है तो वो कौम का दुश्मन है, ये सब जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरी बातों का जो मतलब एमआईएम वालों ने निकालकर उनका सियासी फायदा उठाने की कोशिश की है उस पे ना जाएं। अभी भी वक्त है, अभी भी संभल के अपना दिमाग लगा के काम करें। और फिर एक बार मैं कहता हूं कि सुन्नत रसूल का जो एहतराम हम करते हैं, मैं करता हूं, वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसका सियासी उपयोग ना होने दें, मैं यही कहता हूं। उलमाए दीन और उलमाए इकराम जो हैं वारिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आज इस्लाम जिंदा उन्हीं की वजह से, उन्हीं पर आज इस्लाम जिंदा और टिका हुआ है। तो मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उनके बारे में कुछ बोलूं, लेकिन मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, और उस तोड़ मरोड़ कर पेश करने की वजह से कुछ ठेस मेरे से पहुंची हो उलमाए दीन को, तो मैं बिला शर्त माफी तलब करता हूं। लेकिन मैं एक गुजारिश भी करता हूं मोतेबाना कि ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाएं जो कौम का बंटवारा चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुसलमान का प्रतिनिधित्व जो आज कॉरपोरेशन में है वो ना हो, और मुसलमान कम से कम कॉरपोरेशन में जाएं, क्योंकि वो जहां भी मुसलमान पॉकेट है वहीं उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े रखे हैं, और वो चाहते हैं कि मुसलमान हार जाए और भाजपा का भगवा झंडा जो है वहां लेना है। ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त मुझसे तो नहीं होगा, इसलिए मैंने उनका नाम लिए बगैर ये बात की थी, लेकिन मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। और सुन्नत रसूल और टोपी जो है हमारे ईमान का एक भाग है, टोपी हमारे सर का ताज है, ठीक है, लेकिन इस्लामिक लिबास में अगर कोई आकर भाजपा का काम करता है तो वो उसको पहचानना आपको जरूरी है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आने वाले चुनावों में ध्यान रखें, ऐसी किसी बातों पर ना आए। आप जानते हो कि मेरा वीडियो किस तरीके से इन लोगों ने वायरल करके कौम का बंटवारा करने की कोशिश की है, तो आपसे गुजारिश है कि इनको माकूल जवाब भी दें आने वाले इलेक्शन में, और इनको अपना रास्ता बता दें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।